hello everyone welcome back to civil services A study this is test number 9 for upsc 2021 prelims okay let's start with question number 1 look at this question number 1 consider the correct statements and choose the correct code those statements say first msps minimum support price msps are announced at the beginning of the sowing season for certain crops on the basis of recommendation of the commission for agricultural cost and price द ट्रांसपोर्टेशन गोडाउनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कॉस्ट इज एज द इकोनॉमिक ऑफ फूड ग्रेन्स दो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसीडर करिए करेक्ट चूज कीजिए इसका सही ऑप्शन है सी बोथ वन एंड टू बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देखते हैं फर्स्ट है जैसे एमएसपीज आर अनाउंसड एट द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन बुआई करने से पहले ही एम एस पीज अनाउंस कर दी जाती है एंड फॉर सर्टेन क्रॉप्स ये याद रखिएगा फॉर सर्टेन क्रॉप सभी क्रॉप्स के लिए नहीं ओनली फॉर स्पेसिफाइड सर्टेन क्रॉप्स एंड दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सी ए सी पी कमीशन के रिकमेंडेशन पे एम एस पीज अनाउंस की जाती है सेकंड देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स द ट्रांसपोर्टेशन गोडाउनिंग मेंटेनेंस कैरियर लोसिसकोनॉमिक कॉस्ट इज एज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इधर फूड ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या गोडाउन करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट है जो भी है, यह है इस इन सब कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं जो कि एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बियर करता है ठीक है तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स अदर देन एमएसपी ठीक है ये याद रखिएगा दो स्टेटमेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन देखिए एमएसपी इज गिवन ऑन ट्वेंटी थ्री आइटम्स ठीक है राइट नाउ ट्वेंटी थ्री आइटम्स पे एमएसपी दिया जाता है उसमें से ये 22 है यहाँ पे 22 टू इज एम एस पी एंड वन इज एफ आर पी जिसमें फेयर एंड रिम्यूमिरेटिव प्राइसिस फॉर शुगर कैन शुगर कैन के लिए एफ आर पी दिया जाता है एंड बाइस क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है तो टोटल कितना हो गया ट्वेंटी थ्री एम एस पी क्या है एमएसपी इज वन साइड पेमेंट डन बाई गवर्नमेंट टू फार्मर फॉर देर वेलफेयर ये वन साइडेड पेमेंट है जो गवर्नमेंट फार्मर को देती है ठीक है तो याद रखिए एंड एमएसपी इज गिवन ऑन दी लक्ष्मीकांत झा कॉमिटी ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ लक्ष्मीकांत झा कमेटी ये कमेटी का नाम याद रखिएगा एमएसपी बेसिस ऑफ लक्ष्मीकांत झा कमेटी तो एमएसपी के बारे में दो चीज तीन चीज याद रखिएगा एक तो ये तेईस आइटम्स पे दी जाती है जिसमें बाईस एमएसपी एंड एक है एफआरपी जो शुगर कैन पे दी जाती है ठीक है और ये है लक्ष्मीकांत झा झाकोमिटी है रिकमेंडेशन और बेसिस पे अब क्वेश्चन दे, सेकंड देखिए वाई डब्ल्यू पी आई होलसेल प्रोडक्ट ये जो डब्लू पी आई है इज नॉट ए शूटेबल एबल टू मेजर इन्फ्लेशन जो डब्लू पी आई को इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए शूटेबल मेथड क्यों आ, क्यों नहीं कहा जाता है इसके पीछे क्या कारण है ये देखिए दो स्टेटमेंट्स जैसे फर्स्ट देखिए इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज सो इट डज नॉट शो दी ओवर चेंजेस इन दी प्राइसिस इन इकोनॉमी सेकंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट और रिस्पेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट ठीक है तो ये टू तो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट इनमें देखिए सही कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी बोथ वन एंड टू

इट इज दिस अबाउट विच कंज्यूमर इज कॉन्सर्न बिकॉज कंज्यूमर इज कॉन्सर्न विद प्राइसूमर लेवल नॉट एट दी होल सेल लेवल जो भाई डेली बेसिस पे जिनके प्राइसेस फ्लैक्चुएट होते हैं तो एक आम आदमी कंज्यूमर उसी को लेकर चिंतित रहता है या कॉन्सर्न रहता है तो यही तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है और जो ये डब्लू पी आई है ये सर्विसेस को कंसिडर्ड ही नहीं करता है तो इस कारण से डब्लू पी आई को हम नहीं लेते हैं ये देखिए सिंस टू थाउजेंड फोर्टीन आर बी आई कॉन्सिडर्ड Uh, CPI. CPI for आज भी CPI, को मॉनेटरी uh, पॉलिसी के लिए कॉन्सिडर करता है ठीक है अब सीपीआई में क्या है सीपीआई इंक्लूड्स बहुत गुड्स एंड सर्विसेज याद रखिएगा इसलिए सीपीआई को करते हैं होलसेल में ओनली गुड्स तो सीपीआई सी पी आई और होलसेल का डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस अब क्वेश्चन थ्री देखिए करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट्स देखिए एंड करेक्ट देखिए फर्स्ट है इट वॉज फॉर्मड बाई जापान। सेकेंड इट्स मेंबरशिप इज ऑनली कॉन्फाइंड टू एशियन कंट्रीज एंड इट इज हेडक्वार्ट एट फिलिपींस सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज वन एंड थ्री वन एंड थ्री में क्या है It was found by Japan, yes, it is correct. And third is it is headquartered at Philippines. Okay. The second has so of it is its membership is confined only, ye dekhe, only to Asian countries. Ne, it, ye wrong hai. it is not only confined to Asian countries, even the non-Asian countries can also become the member of ADB. Okay. Now look at its explanation. Ye dekhe. Its membership is not only is not only confined to Asian countries.

करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द दिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ए आई आई बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ये देखिएगा फर्स्ट है इसका इट फाउंडेड चाइना इट इज हेड एट थर्ड है चाइना हैज द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग वाल इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग चूज द करेक्ट कॉर्ड सोचिए तो इसका यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी जिसमें वन एंड थ्री है एंड में देखिए इट वॉज फाउंडेड बाई इज करेक्ट नाउ से थर्ड इज

ंसी एक्सचेंज रेट इज मेजर्ड विद देल्प ऑफ करेंसी बास्केट विद द इंक्लूजन ऑफ प्राइसेज इट इज रेफर वापिस पढ़िए वंसीचेंज रेट इज मेजर्ड विद्रंसी बास्केट विद द इनक्लूजन ऑफ प्राइसेज इट इज रेफर यहाँ करेक्ट ऑप्शन है इसका टू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ठीक है यह है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ओके देखिए अब ये देखिए इंडिया यूजेस टू करेंसी बास्केट्स टू करेंसी बास्केट्स को यूज कर रहा है टू मेजर एक्सचेंज रेट दिस इज सिक्स करेंसी बास्केट एंड थर्टी टू करेंसी बास्केट ये टू करेंसी बास्केट से हम सब जानते हैं इनको इंडिया यूज करता है ठीक है एक्सचेंज रेट को मेजर करने के लिए अब ये देखिए क्वेश्चन सिक्स देखिएगा कॉन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट है दोज इंटरनेशनल फिनांशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग लोन आर डन टू करेक्ट दी कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नॉन एज एक्टिंग आइटम्स ठीक है सेकेंड देखिए दोज इंटरनेशनल फिनाशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नॉन एज ऑटोनोमस आइटम्स ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन और देखिए तो ये देखिए इसका सही आंसर है सी बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट सही है देखते हैं हम दोज इंटरनेशनल फिनाशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग लोन्स आर डन टू करेक्ट दंडीशन ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और नॉन एज एकोमोडेटिंग आइटम्स ठीक है तो ये जो इसमें यह जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट से इनकी कंडीशन इफेक्ट होती है तो ये अकोमोडेटिंग आइटम्स है और जो ये इंडिपेंडेंट होते हैं जो इंटरनेशनल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन ऑफ ऑफ बैलेंस पेमेंट आर एज ऑटोनोमस आइटम्स तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखेगा बी के संदर्भ में ओके ये अब क्वेश्चन देखिए ओकेडर दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स याद रखिएगा कॉन्सिडर दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखिए कौन से हैं फर्स्ट है जैसे इट रिफर्स टू द रेट एट दिच बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आर बी आई विदाउट एनी कोलेट्रल इज अवेलेबल ओनली फॉर द स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इसमें देखिए कौन से गलत है तो इसका सही ऑप्शन है सी बोथ वन एंड टू दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में ये देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन क्या सही है एम एस एफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रिफर्स टू द दूल्ड बैंक्स कैन फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब कॉलेट्रल ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बनती है कॉलेट्रल ठीक है याद रखिएगा एंड ऑल द स्केड कमर्शियल बैंक हैविंग करंट अकाउंट एंड सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट विद आर बी आई आर एलिजिबल फॉर एम एस एफ ऑल द स्केड कॉमर्शियल आर एलिजिबल फॉर एमएसएफ एंड नाउ दिस एमएसएफ इज आल्सो एक्सटेंडेड टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स तो दोनों स्केड कमर्शियल बैंक्स एंड स्केड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों ही एमएसपी स्कीम में आते हैं ठीक है तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखेगा एक तो कोलेट्रल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेकंड है ऑल द स्केड कॉमर्शियल बैंक एंड ऑल द स्केड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ये देखिए क्वेश्चन एट देखिए सेल कॉम्पनीज सेल कंपनील कंपनीज किसे कहते हैं सोचिए कंपनीज तो इसका सही ऑप्शन है थ्री ठीक है सेल है. वह कंपनी जिनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है मार्केट में okay? उन्हें सेल कंपनीज कहा जाता है स्टेटमेंट लीजिए सही द कॉरपोरेशन विदाउट एनी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और असेट्स आर नॉन एज सेल कंपनीज ठीक है ये, ये, ये देखिए आप क्वेश्चन नाइन देखिए ंगज वॉज फॉर्म्ड अर्लीस्ट इन चार में से सबसे पहले किसका फाउंडेशन हुआ था ठीक है जैसे फर्स्ट है सेबी देन नाबार्ड इर्डा देन आर आर बीज सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर आर आर बीज देट इज रीजनल रूरल बैंक ये देखिए ऑप्शन इसका एक्सप्लेन देखते हैं सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन एटी एट दैन नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द ईयर एटी टू देन इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज फाउंडेड इन ईयर टू थाउजेंड एंड द रीजनल रूरल बैंक इन ईयर 1975 तो सबसे पहले हुआ था 1975 सबसे पहले आर आरबीज उसके बाद में हुई थी इरडा देन नाबार्ड एंड बाद में सेबी सेबी हुआ 1988 में ये देखिए लास्ट क्वेश्चन टेन इंडिया एंड श्रीलंका इज डिवाइडेड बाई इंडिया एंड श्रीलंका इज डिवाइडेड बाई ये जैसे ये वाटर वाटर बॉडीज के नाम दिए गए हैं जैसे पार्क स्ट्रेट एट डिग्री चैनल बाज स्ट्रेट एंड मैकाश स्ट्रेट यहाँ कौन सा स्ट्रेट या चैनल है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है सोचिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वन पार्क स्ट्रेट यहाँ पार्क स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है ये देखिए इसका मैप देखते हैं ये देखिए पार्क स्ट्रेट ये इंडिया है ये श्रीलंका है ये पाल का स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को ये वाटर बॉडी डिवाइड करती है तो ये याद रखिएगा ठीक है दैट्स ऑल थैंक यू